17 सेकंड का ये वीडियो आपने जो अभी देखा, उसमें रोता हुआ ये वही शख्स है जिसने एक या दो नहीं बल्कि चार लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतारा है। नाम है चंदन वर्मा। सोचिए, पुलिस की गोली खुद को लगी तो ये सनकी बिलख बिलख कर रो रहा है। जिन लोगों को इसने मौत दी, उन चार लोगों की तकलीफ का इसने नहीं सोचा होगा। जब ये गोली मारकर उनकी जान ले रहा था, उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। मगर अब पुलिस ने अमेठी हत्याकांड के मुख्य आरोपी चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आप लोग पूर्व से विदित हैं कि कल के शाम के समय अहरुआ भवानी, जो कि सिरतनगंज थाना क्षेत्र में है, वहां पर एक ही परिवार के दो बच्चों समेत पति पत्नी की हत्या कर दी गई थी। अभियुक्त के खिलाफ हम लोग लगातार प्रयासरत थे उसकी गिरफ्तारी के लिए। आज एसटीएफ की टीम द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से इसकी गिरफ्तारी की गई है और अभियुक्त से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया है। और उसके द्वारा बताया गया कि जो महिला थी मृतका, उसमें उसके साथ उसकी जान पहचान थी करीब 1.5 वर्षों से उन दोनों का, और अभी जो है आपसी मन प्रेम प्रसंग थे, आपसी मन मुटाव होने की वजह से वो तनाव में रहता था और उसी तनाव में आने की वजह से उसके द्वारा पिस्टल की पूरी मैगजीन खाली करते हुए पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करके अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो पिस्टल उसने घटना में यूज की थी और जिस मोटरसाइकिल से वो आया था, उसकी बरामदगी की जाएगी और उसकी निशानदेही पर, और आगे जो है उसको कानून के जो भी तरीके हैं उसके माध्यम से उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस घटना में चंदन अकेले था कि कोई और भी मददगार था? वहाँ पर ये कैसे पहुँचा और कैसे फरार हुआ? देखिए, इस चीज़ के हमारे पास साक्ष्य हैं कि चंदन ने जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया और जो खोखे बरामद हुए वो सारे एक ही पिस्टल से हुए, जो कि इस तथ्य को इंगित करते हैं कि ये सारी घटना एक ही व्यक्ति द्वारा की गई। और उसके द्वारा ये बताया भी गया कि उस घटना में वो अकेला ही था और इसको जो मेन गेट था, जो मेन रास्ता था, उसमें जो गलियारा था उसका प्रयोग करते हुए अंदर गया। अंदर घटना करने के बाद सीढ़ियों का प्रयोग करते हुए छत के माध्यम से नीचे उतर के भाग गया। चूँकि उस समय बगल में ही वहाँ पर जागरण चल रहा था तो उसका शोर के फायदा उठा करके वहाँ से निकल गया। ये अकेला ही था घटना? निश्चित रूप से घटना में ये अकेला ही था जहाँ पे जब इसके द्वारा चार लोगों की हत्या की गई। ये इसने एक स्टेटस लगाया था कि आज पांच लोगों की मौत होगी, उसके क्या मायने हैं? और मौके से एक जिंदा कारतूस भी आप लोगों को मिला? देखिए, चार लोगों की तो इसने हत्या कर दी और इसने ये भी बताया कि इसके द्वारा स्वयं का भी मारने का प्रयास किया गया, लेकिन मौके पर ही लेकिन कारतूस मिस हो जाने की वजह से, फायर ना होने की वजह से ये बच गया। वो जिंदा कारतूस हमने बरामद किया है। वो आखिरी ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से इनके बीच में रिश्तों में इतनी खटास आ गई, क्या वजह थी? देखिए, उसके बारे में अभी हम लोग विस्तृत पूछताछ करेंगे, तब आगे भी चीजें निकल कर आएंगी और वो सारी चीजें आपको अवगत कराई जाएंगी। एक आखिरी सवाल कि उसको रिमांड पर लेकर अभी क्या क्या चीजें और कड़ियों को जोड़ना भी बाकी है? देखिए, अभी तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो इसने घटना में प्रयुक्त किया था वेपन और जो मोटरसाइकिल जिसके माध्यम से आया था, इन दोनों की रिकवरी की जानी से। अमेठी के शिवरतनगंज इलाके में पति पत्नी और दो बेटियों की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस मुख्य आरोपी चंदन वर्मा की तलाश में जुटी हुई थी। आरोपी चंदन वर्मा के व्हाट्सएप स्टेटस ने सबको चौंका दिया था। दरअसल चंदन ने स्टेटस में लिख रखा था कि पांच लोग मरने जा रहे हैं, मैं जल्द ही आपको दिखाऊंगा। जानकारी के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद चंदन वर्मा को खुद को भी गोली से उड़ाना था। संभवत इसलिए उसने पांच लोगों की हत्या की बात अपने स्टेटस पर लिखी थी। पुलिस चंदन की तलाश में छापेमारी कर रही थी। शुक्रवार को उसे अमेठी से गिरफ्तार कर लिया गया।